वेलकम टू इकोजन इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं एक एलईडी बल्ब रिपेयर करूँगा। ये 9 वाट फुल ग्लास का एक एलईडी बल्ब है मेरे पास, वो देख सकते हो आप, ये अभी नहीं जल रहा है। इसका शायद एलईडी ख़राब है, आप देख सकते हो इसका एलईडी ख़राब हो गया। और अभी मुझे ये चेक करना है कि इसका जो सर्किट है वो ठीक है कि नहीं। फ्लैश करके एक बार चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ। थोड़ा थोड़ा फ्लैश हो रहा है, मतलब लाइन आ रहा है, एलईडी में लाइन आ रहा है। अब वोल्टेज चेक करके देखना है, वोल्टेज चेक करूँगा। वोल्टेज तो 100 से ऊपर होना चाहिए, 100 होने से भी चलेगा। हाँ, इसका वोल्टेज अभी ठीक है, मतलब एलईडी में प्रॉब्लम है, सर्किट ठीक है इसका। तो आप इसका MC PCB जो है उसको PCB से अलग करना है। मेरा आयरन को हीट पर रख दिया और इसमें थोड़ा लाइन हो सकता है, इसीलिए मैं फ्लैश करके वो वोल्टेज को 0 कर देता हूँ। और मैं अभी फटाफट इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मुझे इसका एलईडी चेंज कर देना है, मैं MCPCB चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसका जो MCPCB है वो आसानी से नहीं मिलता, मेरे पास भी नहीं है इसका MCPCB। और मैं एलईडी चेंज करने के लिए मैं 9 वाट का MCPCB लिया है, नया MCPCB है मेरे पास। वो MCPCB से मैं LED निकल के इसमें बिठाएंगे। LED चेंज करने के बाद ये LED बिल्कुल नया हो जाएगा, मतलब इसका लाइट का कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नया जैसे ही दिखने लगेगा। कलर भी अच्छा है, क्योंकि मेरे पास इसका कंपनी का MCPCB है। आप लोग देखते रहिए, इसका जो LED चेंज करने का प्रोसेस है वो देखिए। ऐसा प्रोसेस शायद आप कभी नहीं देखे होंगे। मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास ऐसे LED आता है तो फिर आप लोग कैसे रिपेयर करते हो, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे करते हुए देखा कि इसका जो MCPCB है वो निकाल के उल्टा करके बिठा देता है, और पीछे की तरफ स्क्वायर एक MCPCB स्क्वायर टाइप का 9 वाट का वो बिठा के कनेक्शन कर देता है। वो भी ठीक है, लेकिन
अब दोनों हीट हो जाएगा और नए MCB-CVC से LED निकल के पुराने MCB-CVC में LED को बिठा देता हूँ। ध्यान से इसका प्लस माइनस ठीक से लगाना है, गलत हो जाने से ये जलेगा नहीं। इसका प्लस और माइनस जो है वो ठीक से लगाना है। बहुत अच्छे से लग जा रहा है। आप भी ऐसा प्लेट जुगाड़ कर सकते हो, ऐसा प्लेट आपको मिल जाएगा। मोबाइल रिपेयर करने के लिए एक मशीन होता है हॉट प्लेट, उसी का ही मशीन है, प्लेट है ये। इसमें 9 LED था, लेकिन ये जो LED बल्ब था इसमें 10 LED लगता था। ये 1 LED कम पड़ गया, मैं दूसरा प्लेट को बिठाता हूँ, वहाँ से एक निकल के इसमें बिठा देंगे। हो गया, मेरा काम हो गया। अभी इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद मैं इसको फिट कर देंगे। आपको ये तरीका कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसा मशीन चाहिए तो फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको भेज सकता हूँ। अब मुझे इसको फिट कर देता हूँ, उसके बाद देखो LED ग्लो करता है कि नहीं और कैसा होता है। मैं इसको सोल्डरिंग कर दिया, PCB से जोड़ दिया है MCB-CVC को। अब इसको एक बार चेक कर लेना है, सीरीज कनेक्शन से एक बार चेक कर लेंगे कि जलता है कि नहीं जलता है। देखो जल गया, लाइट जल गया। अब मैं अभी फिट कर देता हूँ इसको अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नया नया वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए, बहुत सारे कुछ चीज़ दिखाएंगे, आपको कुछ सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।